विधिपाल सेंटर कॉलेज एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ये लिखा हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो बना दिया ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो वृत्त के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर वृत्त के अंदर चतुर्भुज है तो उसे ही बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसके विकर्ण बिंदु ई पर, देखो विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी दोनों बिंदु ई पर काटते हैं। यदि कोण डी बी सी बराबर 70 अंश तथा कोण बी ए सी, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कोण है तो ऐसे ही देखेंगे बी ए सी डी बी सी 70 अंश तथा तो कोण बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा पूछा उसने, बी सी डी ये वाला कोण, यहाँ से कहे ना बी सी डी ये वाला कोण पूछा, ठीक है। वह यदि ए बी बराबर बी सी के हो तो कोण ई सी डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी सी बराबर डी ए सी, क्या लिखा है देखो यार, डी बी सी बराबर डी ए सी ये इसके बराबर है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा, डी ए बी डी ए बी यहाँ से यहाँ तक 70, ये 30 कितना हो जाएगा 100। और ये लिखा हुआ देखो यहाँ कोण बी सी डी प्लस कोण बी ए डी, बी सी डी बी ए डी क्यों लिखा है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। और बी ए डी का मान कितना है 100, तो बी सी डी प्लस 100 अंश बराबर 180, या कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश, एक आंसर तो आ गया है। अब देखो दूसरा उसने क्या दे दिया था, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर किसके है बी सी, ठीक है। देखो यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, ए बी सी और ये डी, उसने कहा ये ए बी बराबर बी सी के है। देखो जब समान भुजाएं होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ए बी के सामने कौन सा कोण है सी और बी सी के सामने कौन सा है ए, देखो वही लिखा है ए कोण सी के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो मान सी का है वही ए का होगा, और सी का मान कितना आता 80 अंश, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा ए का 80। और ये क्या लिखा है कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी ए प्लस कोण ई सी डी, और बी सी डी का मान कितना है 180 अंश। कोण बी सी ए यहाँ पे देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है बी सी ए, बी सी ए एंगल बी सी डी बराबर कितना है 80 अंश, बी सी ए देखो बी सी ए कितना है 30 अंश प्लस कोण ई सी डी, ये प्लस का इधर जाके माइनस, कोण ई सी डी बराबर 80 माइनस 30 अंश बराबर कितना आ गया 50 अंश आंसर।